नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर उनका भव्य मंदिर बनाने का कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया है। अब उनके परम भक्त हनुमान जी की असल जन्मभूमि को लेकर के दो राज्यों में जंग छिड़ी हुई है, दावे जारी हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों दावे कर रहे हैं बजरंगबली का जन्म उन्हीं के प्रदेश में हुआ है। कर्नाटक का दावा है कि हनुमान जी का जन्म उत्तर कर्नाटक के हम्पी के पास किष्किंधा में हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश के मुताबिक जिस अंजनाद्री पहाड़ पर हनुमान जी ने जन्म लिया था वो तिरुमला के सात पहाड़ों में से एक है। खैर, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। आज मेरे साथ मेरी मेहमान है डॉक्टर मीनाक्षी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरे चैनल पे। जी दोस्तों, मीनाक्षी शास्त्री जी अध्यात्म और शास्त्रों के काफी नजदीक हैं। गंगोत्री में काफी दिन उन्होंने बिताए हैं, वहाँ इन्होंने तपस्या की है और काफी कुछ ज्ञान लिया वहां से। मीनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं, मतलब एक आसान तरीके से आप ये बताइए कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है। मनविंदर जी, मैं भी पहले तो आपको नमस्कार करूंगी, बहुत सालों बाद हम आपसे मिल पा रहे हैं। आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। बस इस अपने देश में अपने जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि जन्म तो हनुमान जी का, मैं तो समझती हूँ कि हनुमान जी तो जन्म मृत्यु से परे हैं और कहते हैं कि उनको तो आजीवन आशीर्वाद मिला है कि वो हमेशा जीवंत रहेंगे जब तक ये संसार है जी। और इसके बाद कहते हैं कि भगवान राम भी अवतरित हुए, भगवान कृष्ण भी अवतरित हुए, किंतु इन सब का गर्भ से ही तो जन्म हुआ है ना। भगवान राम का यदि यदि कौशल्या माँ से हुआ तो कृष्ण भगवान का देवकी माँ से हुआ जी। और हनुमान जी का अंजना माँ से हुआ, किंतु इन सब के पीछे भी तो बहुत कथाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं जी। और एक मुझे तो लगता है कि जो रामचरितमानस में लिखा है वही तो सत्य होगा। रामचरितमानस कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा तो हनुमान जी ने साक्षात विराजमान होकर साक्षी भाव के साथ, वे कहते हैं ना जब जब भी राम का कोई गुणगान होता है तो हनुमान जी वहां पहले से विराजमान होते हैं। जहां भी राम की कथाएं होती है हनुमान जी विराजमान होते हैं। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की कथा लिखी तो हनुमान जी वहां साक्षात विराजमान रहे, तभी तो राम तभी तो इतना बड़ा गुणगान कर सके गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को कहते हैं कि रामचरितमानस भारत के हर घर में पूजा जाता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान राम को जन जन में पूजनी, कहते हैं भारत को यदि पहचानना है तो राम कृष्ण के बिना तो सब अधूरा है। Exactly. और राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म तो रामचरितमानस में किष्किंधा के, कहते हैं ना कर्नाटक में ही किष्किंधा के पास ही जन्म हुआ था। और जहां सबसे पहले राम और राम लक्ष्मण का जब सबसे पहले जो मिलन हुआ रामायण में, वो हनुमान जी ने जहां उनके दर्शन किए थे वो उनका जन्म स्थान ही था जहां हनुमान जी पहली बार राम से मिले। और इसके साथ साथ दीदी मनविंदर जी, आपके लिए एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब भगवान राम का जन्म हुआ, आपको सभी को पता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, जब ऋषि काफी प्रयास किए गए, हाँ बहुत मुश्किल से भगवान राम का जन्म हुआ है, तो उसमें जो दशरथ जी को जब वो दिया गया ना खीर का कटोरा, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा भाग में बांट दिया, यानी कि कौशल्या और कैकेयी। जब आधा आधा भाग बांट दिया तो तब उन दोनों ने, मतलब कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग से लेकर सुमित्रा को दिया, तभी तो उनके दो पुत्र हुए जी। और वो ही दोनों पुत्र राम के और साथ में भरत के सेवक के रूप में रहे जी। कितना प्यार था उन चारों में, और उन चारों के रूप में हनुमान जी को भी भगवान राम बहुत मानते थे। कहते थे ना कि
कि जब जब संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी, और फिर जब राम जी ने उनको गले में से लगाया कि लक्ष्मण को तो उन्होंने जीवन प्रदान किया संजीवनी बूटी लाकर, तब उन्होंने कहा था कि तुम हमारे लिए भरत के समान ही प्यारे हो। पर वो क्यों कहा था, वो आज मैं राज की बात बताती हूँ। जी जी, कोई दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो दशरथ जी ने दो भाग दिए और उन दोनों भागों में से उन्होंने सुमित्रा को दिया और सुमित्रा के दो बेटे हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो फिर जो कौशल्या जी जब सबसे पहले कौशल्या भोग लगाने जा रही थी, उसी समय एक कागा आया और उसमें से चोंच मारी और उड़ गया। अब उस कागा ने उड़ते 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 वहीं पहुंचा कर्नाटक में, और जो अंजना देवी थी, अंजना माँ थी, वो सूर को जल दे रही थी, तो बस वो कागा ने वो खीर उनके जल में डाली और उन्होंने उसको प्रसाद पा लिया। तो इस तरह से भी उनके पास प्रसाद पहुंचा, तो राम इसीलिए कुछ न कुछ राम जी के भाई हैं। बिल्कुल, इस तरह से भगवान राम तो सब जानते थे क्योंकि वो तो अंतर्यामी, हम लोग तो यही मानेंगे, और इस तरह से वो पांच भाई के रूप में हम सब उनको उसी रूप में पूछते हैं हनुमान जी को। जी जी, और एक जन्म की तो बात ये है, विवाद वही है जन्म स्थान का। हाँ, तो जन्म स्थान तो निश्चित है कि जो अंजनी माता का जहाँ मंदिर है, क्या वहीं पर उनका जन्म स्थान है? बिल्कुल वही स्थान है, और इसका कर्नाटका में, कर्नाटक में, क्योंकि आंध्र प्रदेश शायद क्यों कह रहे हैं, ये तो राजनीति की बातें हैं, कि तो जो हमारी भक्ति भाव की बात है, क्योंकि हनुमान जी की बात है तो हम लोग भक्ति भाव से तो जरूर यही कहेंगे कि जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा वही सत्य होना चाहिए, वही सत्य मानना चाहिए। तो हनुमान जी के जन्म की बात तो मनमिंदर जी, एक बात और भी तो है कि कहते हैं ना उनको रुद्रावतार भी माना जाता है। जी जी जी, है ना, मैं वही बात पूछने आ रही थी आपसे। जी 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 जी, उनके लिए भी बस से जन्म से वो भी बात जुड़ी है कि एक बार कहते हैं ना कि कैलाश पर्वत, तो पार्वती जी का जब विवाह हो गया, पहले तो सती से हुआ, फिर पार्वती से हुआ, फिर जब कृष्ण सॉरी गणेश जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, तो एक बार उनको खीर खाते हुए इंद्र भगवान ने जल बरसा दिया, तो पार्वती जी को बहुत दुख हुआ कि मैं तो कैसे भी रह सकती हूँ, क्योंकि तो मेरे बच्चों के ऊपर तो कुछ तो छाया होनी चाहिए, कुछ तो छत होनी चाहिए। और जब शिव जी को बोला कि भाई मेरे लिए ना सही, तो शिव जी ने यही तो कहा था कि हमने आपको बोला था हम अवघड़दानी हैं, अवघड़वादी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो शमशान के वासी हैं। जी जी, फिर भी पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं बनवाऊंगी महल। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, जो भाग्य में नहीं है फिर भी यदि आप प्रयास कर रहे हैं उसका हम भी स्वागत करते हैं। तो शिव जी तो अंतर ध्यान में हो गए, क्योंकि वो अपने ध्यान में चले गए। अब पार्वती जी ने कुबेर जी से कॉन्टेक्ट किया होगा उस जमाने में, जैसे भी, तो कहते हैं पहले तो मंत्र पढ़ते थे, आज हम लोग नंबर डायल करते हैं, पहले तो मंत्र, बीज मंत्र बोलने से ही जिसको भी आप आह्वान करेंगे वो अवतरित हो जाएंगे। तो आगे कुबेर जी को बताया, मैं चाहती हूँ एक महल यहाँ बन जाए, छोटा सा ही बन जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को भोजन तो ठीक से करा सकूं। तो कुबेर जी तैयार हो गए। जब रावण को पता चला, मनमिंदर जी, जब रावण को पता चला कि मैं तो परम भक्त शिव का, और ये कुबेर कौन होता है, कुबेर उनका भाई था सौतेला भाई, तो भाव वो आ गया ना। तो फिर उसके बाद ये कथा में आता है कि रावण ने कहा मैं बनवाऊंगा अपने इष्ट देव का। जी जी, और उसने तन मन धन से हर तरह से बहुत विशाल और सुंदर स्वर्ण का महल बना दिया कि कुबेर के पास खजाने में क्या होगा, जो हमारे पास है हम अपने शिव पार्वती के लिए बनाए। उसने बड़े अच्छे भाव से बहुत बड़ा सोने का महल बना दिया। जब महल बन गया तो पार्वती जी वाणिज्य मुस्कान, जैसे शिव जी उनकी तरफ देखते थे कि जी जी, जो हमारे भाग्य में वो नहीं मिल सकता, फिर भी तो पार्वती जी ने वो दिखाया कि देखो कर्म से क्या नहीं हो सकता, मैंने कर्म से क्या नहीं हो सकता। तो उन्होंने कर्म किया, उन बना, किंतु भाग्य में जब होगा तभी तो हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो अब उसके लिए गृह प्रवेश का भी समय आ गया सही मुहूर्त में, तो पता चला कि उसके लिए पुरोहित रावण से बड़ा विद्वान तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। रावण इतना विद्वान, इतना शिव भक्त, परम शिव भक्त, तो अब उसी को यजमान
यजमान तो पार्वती जी थी और पुरोहित राहुल जी बने। अब हुआ ये कि अब जब सब कर्म कांड हो गए, पूजा हो गई, यज्ञ हो गया, उसके बाद जो कहते हैं ना कलश लेकर वो जैसे गृह प्रवेश करती है नारियां, जी जी, अब जैसे तो एकदम पार्वती जी को याद आया, अरे मैं दक्षिणा देने तो भूल ही गई। तो उन्होंने रावण की तरफ देखा कि आप दक्षिणा तो बताइए आपको क्या देना है। तो फिर रावण ने कहा आप दे नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा क्या मतलब मैं दे नहीं पाऊंगी, बोले ये सारा महल मैंने ही तो बनवाया है, तो उन्होंने मैं नहीं दे पाऊंगी क्या। तो फिर जब पार्वती जी को लगा रही मैं तो जगत जननी और ये मेरा भक्त तो कह रहा है मैं दे नहीं पाऊंगी, तो फिर उसने कहा कि क्या चाहिए रावण। तो रावण ने कहा उन्होंने जल लिया, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके रावण ने कहा मुझे और कुछ नहीं केवल यही महल चाहिए। और ये कहते ही पार्वती जी ने समझ लिया कि मेरे भाग्य में नहीं है और उन्होंने जल छोड़ दिया कि ले जाओ अपना ये महल। और उसके बाद रावण वो महल लेकर चल दिया लंका। तब शिव जी ने अपने नेत्र खोले और कहा कि जो जिस अहंकार से इसने बनाया वो अहंकार से लिए जा रहा तो मेरा रौद्र रूप ही इसका विध्वंस करेगा, इसको जला देगा, इस सोने को जला देगा। तो फिर रावण तो उसी समय तय हो गया था कि रावण की सोने की लंका जो है जला दी जाएगी, जला दी जाएगी और वो हनुमान जी जलाएंगे जी। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर शिव जी ने अपना अंश को रुद्र के रूप में, जिसको कहते हैं ना एकादश रुद्रावतार हनुमान जी को माना गया, शिव जी के जो एकादश होता है, तो फिर हनुमान जी को उसी अंश के रूप में कहते कि वो किसी तरह से अंजना जी के पास आया, पवन ही उड़ा कर लाया, पवन ही उड़ा के लेके आया है ना, तभी पवन पुत्र और रुद्रावतार और राम के भक्त सबके रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। और उसी जन्म के रूप में कहते कि राम का जन्म तो चैत्र मास की नवमी को हुआ और उनका पूर्ण मासी में पूर्ण रूप से, तो मैं तो हनुमान जी की उस तिथि को बहुत शुभ मानती हूँ। राम का तो शुभ है ही नवमी, किंतु पूर्ण मासी तो पूर्ण रूप से अवतरित। तो हनुमान जी की शक्ति की महिमा का गुणगान करते हमारा देश का जन जन कहते हैं कि संतों को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि अवतरित रूप में हनुमान जी हमारे देश में कर्नाटक प्रदेश में जन्मे। और ये सौभाग्य की बात है कि हम सबको जब भी कोई कष्ट होता है तो बस श्री राम का नाम लिया नहीं कि हनुमान ने वो काम किया। और पूरा पूरा विश्वास है कि कहते हैं कि सद ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था, पारस था प्यार जिनका, पुरुषार्थ कल्प तरु था, विज्ञान ज्ञान दोनों फूले फले यहाँ पर, अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है, सर्वे भवन्ति सुखना की प्रार्थना यहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना यहाँ है। शुभ हो। एक मेरा सवाल और रह गया है जी। जी जी बिल्कुल, अभी आप समाप्ति की ओर ना जाएं। जी जी, कल नासिक में एक धर्म बैठक हुई, उसमें भी यही मुद्दा था जी। उसमें संत महात्मा इसलिए बैठे थे कि ये पता साबित कर सके कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है। हाँ, हाँ। लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया, वो भी नहीं पाएगा इस तरह से। और फैसला होने से पहले ही वो आपस में भिड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब उनकी जो भिड़ंत है, जो उनके एक सीन क्रिएट हुआ आपस में, उनकी एक संत ने एक रिपोर्टर का माइक छीन लिया और दूसरे पे अटैक किया जी, जी। तो अब इस पूरे सिनेरियो का आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में जहां भी मस्जिदों के नीचे मंदिरों के अवशेष, यानी कि जहां कभी मंदिर रहे थे उनको देखा जा रहा है, कोर्ट पे हम अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मनों में एक अलग लड़ाई चल रही है कि हमारे मंदिर हमको मिले, ऐसे में क्या मतलब उन संतों महंतों की जो आपस में भिड़ंत थी, क्या देख कैसे देखती है आपने? इसको तो सभी अच्छा नहीं समझेंगे है ना मनिंदर जी। बस बात यह है कि सबको एक भाव से एक एक मतक होकर अपने मतों को एक
एकता के सूत्र में बांधकर हमें अपने इस जितने भी ये हम कहते हैं कि औरंगजेब के जमाने में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये तो सभी मानेंगे, इतिहास में भी दर्ज है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उस पर मस्जिद बना दिए गए और उनको उन अवशेषों को उसी में दबा दिए गए। क्योंकि तो जब कहते हैं सत्यमेव जयते, कभी ना कभी तो समय आता है जो सच्चाई सामने आती है। और ज्ञानवापी में आप देख ही रहे हैं कि कितना विशाल शिवलिंग, और कहते हैं कि बहुत अंदर गहराई से जितना ऊपर दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा 10 गुना वो नीचे है। जब बिल्कुल सामने आएगा तब दुनिया अचंभित होगी, क्योंकि वो तो सब जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा शिवलिंग वही माना जाएगा जिसको सबसे पहले अटैक किया। काशी तो शिव की नगरी है। मैं बात कर रही थी जो संतों ने जो आचरण किया वो तो बहुत अशुद्ध माना जाएगा, बहुत अशुभ माना जाएगा, हमारे देश के लिए बहुत बहुत ये शोभनीय नहीं है। संतों के लिए ये हम भी हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करेंगे कि संत समाज को तो एक होना ही चाहिए, जब एक होंगे तभी तो हम अपने देश का साथ दे पाएंगे। क्योंकि इस समय देश संतों का ही तो देश माना जाता है, और यदि संत ही आपस में भिड़ंत हो जाएगी तो फिर कैसे हमारे देश को राह कौन दिखा पाएगा, क्योंकि संत ही तो शुरू से दिखाते आए हैं, है ना। तो बड़े बड़े राजाओं के आज देखिए कितने कार्य अधूरे हैं जिन्हें पूर्णता में लाया जा रहा है, ये हमारे देश का सौभाग्य है। मैं तो समझती हूँ ये सौभाग्य का ही युग है। मीनाक्षी जी, आप मेरे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे और किसी और टॉपिक पे हम चर्चा करते रहेंगे जी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। मैं भी, जय हिंद और जय भारत सभी को। जय हिंद, जय भारत।